दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Realme 6 Pro के बारे में, जो हाल ही में काफ़ी एक चर्चा का विषय बन चुका है। ये इस मोबाइल फ़ोन कब ये लॉन्च होगा, क्या इसकी प्राइस होगी, क्या इसके स्पेसिफिकेशन होंगे, उन सारे के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आपको इस मोबाइल की कुछ फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप इसके डिज़ाइन का अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी डिज़ाइन किस तरीके की आपको होने वाली है। और बात करेंगे कि ये मोबाइल किन लोगों के लिए सूटेबल रहेगा, किस प्राइस रेंज के लिए सूटेबल रहेगा, क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे डिटेल से। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, जो फ़ोन का जो मेन होता है वो होता है उसकी डिस्प्ले, कैसा वो दिखने के अंदर होने वाला है, उससे आपको कैसा दिखेगा। तो चलिए, इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसके डिज़ाइन वाइज यदि बात करें तो इसके डाउन में छोटी सी आपको चिन देखने को मिल सकती है, जो कि मामूली है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर आपको ड्यूअल पंच होल कैमरा डिज़ाइन इसके अंदर आपको देखने का मिलेगा। और इस फोन का जो मेन हाईलाइट है वो है अल्ट्रा वाइल्ड क्वाड कैमरा, लाइक दिस कुछ चीज़ ऐसे बोलते हैं, अल्ट्रा वाइल्ड क्वाड कैमरा सेटअप आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसके बात करते हैं, इसके पेपर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन इसके क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है ये एंड्रॉयड वर्जन 10 के अंदर, एंड्रॉयड क्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके यदि प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर जो है हमें स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छा प्रोसेसर हो सकता है। वैसे है इस प्राइस रेंज के अंदर अच्छा प्रोसेसर, इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस हो चुकी हैं। और बात करें यदि हम इसकी रैम के अंदर, तो इसकी रैम हमें देखने को मिलेगी 6 GB की रैम इसके अंदर हमें मिल जाएगी। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का जो है इसका डिस्प्ले टोटल होने वाला है, जिसका एक्सेप्ट रेशियो जो है वो 1080x2340 पिक्सल का इसका जो है वो रेशियो रहेगा। 403 PIP इसका जो है IPS LCD डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। और यदि बात करें इसके कैमरा की, तो इसके अंदर हमें जो कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, प्राइमरी कैमरा सेटअप यानी रियर कैमरा सेटअप, उसके अंदर हमें 64 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP प्लस 2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। साथ ही में LED फ्लैश लाइट भी डेफिनेटली इसके अंदर मिल जाती है। बात करें इसकी प्राइमरी सेकेंडरी कैमरा यानी सेल्फी कैमरा की, तो उसके अंदर हमें जो है 16+5 MP का ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यदि बात करें इसकी बैटरी की, तो इसकी बैटरी के बारे में हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है वी होक चार्जिंग के साथ। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि USB Type-C पोर्ट हमें इसके अंदर मिल पाता है, ड्यूअल सिम सपोर्ट करेगा, ड्यूअल नैनो प्लस नैनो सिम कार्ड इसके अंदर आएंगे, हम माइक्रो सिम कार्ड इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। फिजिकल फिंगरप्रिंट इसके अंदर हमें मिल जाएगा, वोल्ट सपोर्ट करता है। यदि इसके बेस वेरिएंट की बात करें तो वो हमें 64 GB के साथ मिलेगा, और इसकी मेमोरी हम एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक इसकी मेमोरी जो है हम एक्सपेंड कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, जो इसकी प्राइस होने वाली है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्राइस होने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। कमेंट बॉक्स में गैस करके बताइए कितनी प्राइस है इसकी। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया के अंदर है वो है 15,000 रुपये यानी 14,999 रुपये के आसपास ही इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। और बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो ये मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर लॉन्च हो सकता है, यानी ये आपको 5 मार्च तक देखने को मिल सकता है, 5 मार्च को ये लॉन्च हो जाएगा। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से, और फ्लिपकार्ट अमेजोन इन पे ये अवेलेबल होगा। और इसके साथ अभी जो है काफ़ी ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिसके अंदर आप जो है इसे बुक कर सकते हैं इनकी खुद की वेबसाइट से जाके। बाकी आप मेरे को बताइए, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके पास में आने वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाले टेक्निकल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, जल्द ही इस चैनल के ऊपर गिव अवे आने वाला है, आप बताइएगा किस चीज़ का गिव अवे आप चाहते हैं। और हाँ, माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो नहीं आ पाया था, क्योंकि किसी ऑफिस के नए सेटअप के अंदर मैं लगा हुआ था, इसके कारण से वीडियो नहीं आ पाया था। अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलते रहेंगे, तो चलिए चिल कीजिए, धन्यवाद।